हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसका डायग्राम जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, पर ये डायग्राम के हेल्प से माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा है ये समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे दो कवरिंग होते हैं, ये जो अंदर का है ये इनर कवरिंग एंड ये जो बाहर का दिख रहा है ये स्पाइन स्ट्रक्चर जैसा, वो आउटर कवरिंग होता है। ये जो आउटर कवरिंग है ये स्पाइन स्ट्रक्चर जैसा, उसको एक्साइम कहते हैं एंड इनर कवरिंग जो है वो स्मूथ होता है, उसको इंटाइम कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे ये जो है ये वैक्यूल है, और यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रही है वहां पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे ये जो डार्क कलर दिख रहा है दैट इज द जर्म पोर। अभी ये जर्म पोर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोर हमने यहाँ पे देख लिया है। यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कवरिंग ऑफ अ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज अ स्पोरोडर्म, आउटर लेयर इज एक्साइम एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइम। अभी ये जो पोलन ग्रेन यहाँ पे हमने देखा, ये जो पोलन ग्रेन का जो पोलन ग्रेन का जो कवरिंग है, ये जो बाहर का कवरिंग है ये पूरा, तो उसको स्पोरोडर्म ऐसे कहा गया है। ये सारी जो साइंटिफिक टर्म्स है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये ही जो टर्म्स है वो मैं सीईटी के एग्जाम में, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। तो ये जो कवरिंग है पोलन ग्रेन का उसको स्पोरोडर्म ऐसे कहा गया है, और जिसका बाहर का कवरिंग है ये बाहर की लेयर है उसको एक्साइन कहते हैं एंड अंदर की लेयर को इंटाइन ऐसे कहते हैं। अब ये जो एक्साइन है यानी कि ये जो बाहर का लेयर, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्साइन कैसा होता है, इट इज अ थिक एंड मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कॉल्ड एज अ स्पोरोपोलानिन। तो ये जो बाहर का कवरिंग है एक्साइन, वो थिक होता है एंड एक ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बना होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जिसका डिकम्पोजिशन होता है, और वो सब्सटेंस का नाम है स्पोरोपोलानिन। इट इज रेजिस्टेंस टू केमिकल। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो एक्साइन है ये बहुत ही थिन हुआ है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये जो एक्साइन है वो थिक होता है, बट ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक्साइन का, ये जो पोर्शन है यहाँ पे उसका जो एरिया है वो बहुत ही थिन होता है। तो वो जो थिन पोर्शन है एक्साइन का उसको जर्म पोर्स ऐसे कहते हैं। During germination of the pollen grain, the growth of the emerging pollen tube takes place through the germ pore. तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने डायग्राम में बताया था कि वो जो एक्साइन है वो एक सर्टेन पॉइंट पे थिन होता है, जबकि मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि वो थिक होता है, बट जर्म पोर ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे एक्साइन थिन होता है, और वही जो पोर्शन है वहां से ये जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो होती है। तो इस तरह से ये जर्म पोर क्या है वो भी हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे कि ये जो इंटाइन है वो कैसा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेल्युलोज एंड पेक्टिन। तो ये जो इंटाइन है वो स्मूथ लेयर होता है एंड वो सेल्युलोज एंड पेक्टिन ये सब्सटेंस से बना होता है। तो इंटाइन के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है ना कि दो डिवीजन होते हैं, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, और इसके थ्रू ये जो माइक्रोस्पोर्स है उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यानी कि जो ये मेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट होता है। अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या क्या होता है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में बिगर नेकेड वेजिटेटिव सेल, ये जो मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी तो ज्यादा बेटर होगा, बट यहाँ पे मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, वो आप ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में लिख सकते हो, तो ये पॉइंट आप प्लीज नोट कीजिए। यहाँ पे मैंने ये जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है ये ड्रॉ किया है। तो ये है पोलन ग्रेन, उसका जो ये बाहर का लेयर है उसको
एक्साइन ऐसे कहा गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक्साइन, ये जो अंदर का कवरिंग है उसको इंटाइन कहा गया है, और यहाँ पे हम ये जो डॉट डॉट देख सकते हैं ये है साइटोप्लाज्म। तो ये है अपने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है कि इसका ये जो न्यूक्लियस है ये अभी दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस एंड ये जो साइटोप्लाज्म है ये दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट होता है। वो कैसे डिवाइड होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल करके डिवाइड होता है। तो इसमें से ये जो वेजिटेटिव सेल होती है वो कैसे होती है, बिगर एंड अ नेकेड वेजिटेटिव सेल यहाँ पे फॉर्म होती है, और ये जो पोर्शन है उसके यहाँ का जो एरिया है, नीचे का जो एरिया है वो है जेनरेटिव सेल। तो जेनरेटिव सेल कैसे होती है, स्मॉल थिक वॉल जेनरेटिव सेल फॉर्म होती है। वेजिटेटिव सेल के यहाँ पे फूड यानी कि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। एंड इसका जो ये न्यूक्लियस है ये जरूरी नहीं है कि ये राउंड शेप में ही हो, वो इरेगुलर शेप में भी होता है। और ये जो जनरेटिव सेल है ये जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ अ वेजिटेटिव सेल, ये जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसी के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट होती है। तो इस तरह से ये जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद यहाँ पे दो सेल बनती है, फर्स्ट वन इज अ वेजिटेटिव सेल एंड द सेकेंड वन इज अ जेनरेटिव सेल। अभी नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो जर्म पोर, मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा होता है जहां पे एक्साइन थिन होता है और वो जो एरिया होता है उसको जर्म पोर कहते हैं। तो ये है यहाँ का जर्म पोर। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि अभी ये जो कवरिंग है ये यहाँ का कवरिंग डिसअपियर होके इसका ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे आता है, जो कि जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। अभी ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसका बाद में क्या होता है, अभी यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है ये वेजिटेटिव सेल है और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो गई है। ये जो ऊपर का है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और नीचे का जो है वो जनरेटिव न्यूक्लियस है। यहाँ पे हमने देखा था वो सेल थी और इसके अंदर अभी यहाँ पे ये न्यूक्लियस डेवलप हुए हैं। ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये है जनरेटिव न्यूक्लियस। अभी ये जनरेटिव न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया है और नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा डिवाइड होकर दो मेल गैमेट यहाँ पे बना लेता है और ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो एज इट इज वैसे ही रहता है। यहाँ पे डायग्राम में मैंने बताया था कि ये जो जर्म पोर है यहाँ पे, ये जर्म पोर बाद में यहाँ से ऐसे ग्रो होती है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ग्रो होने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ है जो कि है पोलन ट्यूब। तो ये दो मेल गैमेट्स थे वो यहाँ पे अभी आए हैं और ये जो वेजिटेटिव सेल है ये अभी यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस करके यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बारे में हमने देखा, अभी हम देखेंगे कि सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है। जनरेटिव सेल गिव्स राइज टू अ टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। अभी हमने देखा था कि ये जो ट्यूब पोलन ट्यूब है उसमें जो दो मेल गैमेट्स हैं वो मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल मेल गैमेट कहेंगे हम इसको। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ पोलन ग्रेन और इन अ पोलन ट्यूब। तो ये जो गैमेट्स फॉर्म होने की जो प्रोसेस है वो पोलन ट्यूब या पोलन ग्रेन के अंदर ही होती है। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम एंथर एट दिस टू सेल स्टेज। तो ये जो एंजियोस्पर्म्स टाइप के जो प्लांट होते हैं तो ये एंजियोस्पर्म्स में ग्रेन्स ये जो फ्लावर से जब ये निकलते हैं तो ये कभी निकलते हैं, जब ये जो टू सेल स्टेज आती है तो उसके बाद ही ये पोलन ग्रेन वहां से प्लांट से या फ्लावर से शेड होते हैं। यहाँ पे ये पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज में ही क्यों शेड होते हैं, क्योंकि ये जब टू सेल स्टेज आता है तभी ही ये जो पोलन ग्रेन है वो मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद ही जब ये पोलन ग्रेन शेड हो गए तो ही बाद में पॉलिनेशन होने वाला है। इस तरह से ये हमने स्टडी कर लिया। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।